अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तारियों की मजम्मत कहते हैं। जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। 9 मई को जो हुआ था वो गलत था, लेकिन कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाएं, ये बानी पीटीआई और दीगर लीडरों पर हमला नहीं। ये स्पीकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ पर हमला है। सियासत में गिरफ्तारियाँ होती हैं, मगर पार्लियामेंट में पनाह लेने वालों को उठाया गया। जमशेद दस्ती को मस्जिद के साथ हुजरे से गिरफ्तार किया गया, मौलाना नसीम को भी मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। क्या ये पाकिस्तान और आईन पर हमला नहीं? कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि खराब इधर से आज वहां है, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी।